आम आदमी पार्टी राजस्थान अब महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी ताकि राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनका हर महिला अपने तरीके से जवाब दे सके। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष संगीता गौड़ जी मौजूद है। मैम, आत्मरक्षा महिलाओं को सिखाने का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप शुरू करने वाले हैं, क्या वो प्रोग्राम है और इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, राजस्थान में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश भर में अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, गिरने का नाम नहीं है। अग्निगर्भा हमारे अभियान का नाम है जो आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने शुरू किया है। ये जयपुर ज़िले से राजधानी से शुरू होगा और पूरे प्रदेश में इसको किया जाएगा और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण प्रोग्राम दे रहे हैं हम सेल्फ डिफेंस का, जो कि पूरे अभी हमारी 10 विधानसभाएं हैं जयपुर की, वहां पर 10 विधानसभाओं से शुरू होकर ये पूरे राजस्थान में जाने वाला है अग्निगर्भा कार्यक्रम। कब से इस अभियान की शुरुआत होगी और कौन कौन सी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता देने की बात कही गई? ये 4 सितंबर से शुरू हो रहा है और सबसे पहले जो कचरा बीनने वाली जो महिलाएं हैं वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि नारायणा हृदयालय प्रताप नगर से शुरू कर रहे हैं, कच्ची बस्ती से। उसके बाद में प्राथमिकता ऐसा है कि महिला होना ही एक प्राथमिकता है, जो भी महिला है, बच्ची हैं, इसमें कोई उम्र का कोई वो नहीं है कि इतनी आयु का होना चाहिए। देखिए, अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि अभी आपने जोधपुर में देखा कि 3 साल की बच्ची के साथ में रेप हो गया, कोटा के अंदर किसी बुजुर्ग महिला के साथ हो गया, तो महिला जो हैं असुरक्षित हैं, महिलाएं, मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, तो सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि खुद की रक्षा एक लेवल पे खुद कर सके, क्योंकि राजस्थान की सरकार जो है कदम उठा नहीं रही है, जो ठोस कदम होने चाहिए कि अपराधियों के अंदर एक भय व्याप्त हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो एक हमारा प्रयास है कि हम महिलाओं को ट्रेंड कर सके आत्मरक्षा के लिए। मैम, एक सवाल ये भी है कि इस प्रकार के अभियान कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पर शुरू तो ज़रूर हो जाते हैं, महीने दो महीने चलते भी हैं, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप नहीं इनका किया जाता और आगे जाके इस प्रकार के अभियान दम तोड़ देते हैं। आप लोगों की क्या योजना है, ये अभियान सतत चलते रहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने जो शुरू किया है, ये अभी शुरुआत करी है 3 महीने की, 10-10 दिन की कैंपेनिंग होगी हर क्षेत्र के अंदर और उसके बाद में हम इसको छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि अपराध जब तक कम नहीं हो जाते, इनके आंकड़े कम नहीं हो जाते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसी तरह से हर क्षेत्र में, मेरी टीम है, मेरे साथ में भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मेरे साथ में कुसुम जी हैं, हम लोग सभी निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि महिलाओं, क्योंकि महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएँ सशक्त नहीं होगी, शारीरिक रूप से नहीं होगी, मानसिक रूप से नहीं होगी, तब तक वो किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। ये थे हमारे साथ संगीता कौड़ जी, आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष। का साफ तौर पर कहना है, महिलाओं को आत्मरक्षा की जो ट्रेनिंग आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शुरू की जा रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और राजस्थान के हर ज़िले में से ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और सबसे पहले जो इस अभियान की शुरुआत हो रही है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक जो आम महिला है, जो कचरा बीनने वाली महिला है, जो हर जगह जाती हैं, वहाँ से कॉलोनियों का और लोगों का कचरा इकट्ठा करती हैं, उनसे इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद में पूरे प्रदेश में इस प्रकार के अभियान को शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने का यह अभियान होगा, इस 3 महीने के अंदर 10-10 दिन के ट्रेनिंग शेड्यूल होंगे और उसके बाद में जिस प्रकार से संगीता गौड़ जी ने कहा कि इस अभियान को मरने नहीं दिया जाएगा, इस अभियान को ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा, सतत और निरंतर प्रक्रिया के तहत ही अभियान यूं ही जारी रहेगा और लक्ष्य वही है कि महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं ताकि महिलाओं के खिलाफ जो लगातार बढ़ते अत्याचार हम देख रहे हैं, महिला खुद उसका जवाब देने में सक्षम बन सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।